हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड एक और ब्रांड न्यू वीडियो। एंड भाई, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। साथ ही मैं फुल डिटेल में सब कुछ बता दूंगा कि कैसे आप डिस्काउंट कूपन ले सकते हो, वो भी प्ले स्टोर से। नहीं यार, इसके लिए आपको एक भी पैसा वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल फ्री में 3, 4, 5, 6 जितना भी चाहो भाई, आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे। देखो भाई, मैं पहले बता देता हूँ कि प्ले स्टोर में कूपन कार्ड, जो डिस्काउंट कार्ड होता है, उसको लाने के लिए 2 ट्रिक होता है, और मैं दोनों ट्रिक से बताने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन एक सेकंड, अब चैनल पे नहीं हो? अरे चैनल पे नहीं हो? चलो यार, कोई ना, हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। अभी हम जाएंगे हमारा असली टॉपिक पे, जो हम भूल ही चुके थे। देखो यार, मैं पहले बता दूँ, डिस्काउंट कूपन तो आपको फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन उसका भी एक एक्सपायरी डेट होता है, तो डेट के पहले यूज कर लेना। और भाई, डिस्काउंट कूपन लाने का सबसे ज्यादा आसान ट्रिक है कि आपके पास बहुत सारा ईमेल अकाउंट होना चाहिए। सब में चेक करके देखना, एक ना एक पे आ ही जाएंगे। और एक और ट्रिक से, वो थोड़ा हार्ड है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, मेरा इस ईमेल अकाउंट पे 20 का डिस्काउंट कूपन आ चुका है। तो आपको हर एक ईमेल अकाउंट सर्च करना है कि किसमें आया है। और भाई, हमारा जो सेकेंड ट्रिक्स है, वो थोड़ा सा हटके है एंड थोड़ा सा अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेंगे, अपना जो जीमेल अकाउंट है उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके रखना पड़ेंगे, तभी आपका अकाउंट में आएंगे अपना डिस्काउंट कूपन। अगर आपका पहला वाला ट्रिक्स काम नहीं आता है तो ही सेकेंड वाला ट्रिक्स यूज करना, नहीं तो सेकेंड वाला ट्रिक्स में पैसा जाता है। और फर्स्ट वाला ट्रिक्स जो फ्री में है, तो ट्राई करना फर्स्ट वाला ट्रिक्स यूज करने का। अगर नहीं होता तो भाई, ये सेकेंड वाला ट्रिक्स यूज कर लेना। चलो, अभी हम मिलेंगे एक और नया वीडियो के साथ, और अभी के लिए बाय।